दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा गुरुवार को शिक्षा एवं मूल विषय पर विशिष्ट व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। विशिष्ट व्याख्यान की मुख्य अतिथि प्राचार्य एलटी शिक्षण कॉलेज की प्रोफेसर सुमित्रा सिंह ने मां सरस्वती, महाराणा प्रताप और दिग्विजयनाथ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर व्याख्यान का शुभारंभ किया। महाविद्यालय के डॉक्टर वीणा गोपाल मिश्र ने मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। महाविद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत गाकर मुख्य अतिथि का अभिवादन किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि ने शिक्षा और मूल विषय पर अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। इस अवसर पर डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह, डॉक्टर राजशरण शाही, डॉक्टर रुक्मणी चौधरी, डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह सहित महाविद्यालय के अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। तत्पश्चात ब्रह्मीन महंत एवं शिक्षा साथ विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर जागृति विश्वकर्मा जी से आदरणीय वीणा मैम से मैं निवेदन करता हूँ कि मुख्य अतिथि का उत्तरी देकर सम्मान जय 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 हे वीणावादिनी शिव कल्याणी मातु भवानी शांति स्वरूपी दीप जला दे रूम रूम संगीत जगा दे शांति स्वरूपी दीप जला दे रोम रोम संगीत जगा दे सप्त सुरों की तू महारानी घर आंगन हो गया है पावन धन्य है भाग्य हमारी रिड़ी आपका हुआ आपका हुआ हमारा विद्यालय परिवार कैसी करी श्रीमान आपका स्वागत और सत्कार। आज का विषय है शिक्षा और मूल्य। सबसे पहले हम ये जान लें कि मूल्य क्या है। मूल्य जीवन की एक ऐसी अवधारणा है जो हमारे जीवन के पथ को प्रदर्शित करता है। अब एक प्रश्न यह है कि क्या हमारा जीवन मूल्यवान है कि नहीं। क्या हम जो जीवन जी रहे हैं यही शिक्षा है। क्या हमारा जीवन सब प्रकार से संतुलित है। क्या हमारे जीवन में हमारे जीवन शिक्षा को मूल्य से जोड़ दिया जाए तो जीवन का संतुलन प्राप्त हो जाएगा। मेरे विचार से कि शिक्षा तो स्वयं एक मूल्य है। आज ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई है कि शिक्षा को कहा जा रहा है कि शिक्षा मूल्य विहीन हो रही है या शिक्षा को मूल्यवान होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा में वह कौन सा मूल्य सम्मिलित नहीं है जिस मूल्य की जीवन में आवश्यकता होती है। शिक्षा क्योंकि जीवन पहले आप सभी जानते हैं कि पहले आप देखते हैं कि बगीचे में एक पुष्प को देखते हैं तो पुष्प का एक पेड़ होता है और बाद में उसने फल आते हैं। तो मेरे विचार से पहले जीवन होना चाहिए और वही मूल्ययुक्त जीवन। तो जब जीवन होगा तो निश्चित रूप से उसमें मानवीय मूल्य समाहित होंगे। तो पहले मूल्य की बात किया जाए क्योंकि जीवन
क्योंकि जब जीवन मूल्यवान होगा तो शिक्षा तो स्वयं मूल्यवान है, तो जब जीवन मूल्यवान होगा उसमें मानवीय गुण समाहित होंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति के मन में वह गुण समाहित होंगे जिसकी शिक्षा को अपेक्षा है। शिक्षा तो उस पुष्प के गंध की भांति है जो सर्वत्र अपनी सुगंध बिखेरती है। आज अनेक वैज्ञानिक प्रगति के कारण वैज्ञानिक और आधुनिकता की होड़ ने हमारे जीवन को ऐसी स्थिति में ला दिया है कि हमारा जीवन मूल्यों से विरत होता जा रहा है, मूल्य हमारे जीवन से तिरोहित होते जा रहे हैं। क्योंकि एक उदाहरण आप देख ले सकते हैं कि एक कपूर जो आप जलाते हैं पूजा स्थल पर, कपूर को जब हम जलाते हैं तो वह दिखाई उसकी जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसकी सुगंध वातावरण में चारों तरफ अपनी सुगंध को बिखेर देता है। हमारे प्राचीन भारतीय समाज के मूल्य भी ऐसे थे जो हमारे जीवन में रचे बसे थे, लेकिन आज वे मूल्य हमारे जीवन से तिरोहित होते जा रहे हैं। वे मूल्य हमारे जीवन में उन मूल्यों का विलोपन हो रहा है। आज क्या कारण है कि हमारे जीवन में मूल्यों का अभाव है? क्योंकि आज हम सभी के मन में स्वार्थपरता, अपने लिए सब कुछ, दूसरों के लिए कम, दूसरों के लिए कुछ भी नहीं, तो ये भावनाएं जब हमारे मन मस्तिष्क में होगी तो निश्चित रूप से हमारा मूल्यों से लगाव कम होता जाएगा, मूल्य हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से समाप्त होने लगेंगे। क्योंकि शिक्षा समाज का दर्पण होता है और मूल्य उसके प्रतिबिंब होते हैं।